हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, दिस इज योर बायोलॉजी टीचर अग्रिमा रावत। ओके, सो वी हैव बीन डूइंग द चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, देन द मोनेरा किंगडम एंड प्रोटिस्टा किंगडम हैज बीन कवर्ड। नाउ द थर्ड किंगडम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस इज द किंगडम फंजाई। ओके, the kingdom fungi is the topic we are going to cover. Okay, so what is the kingdom fungi? So the kingdom fungi constitutes a really unique kingdom. ये बहुत ही अलग kingdom है, ठीक है। यहाँ पे heterotrophic organisms मिलेंगे आपको, मतलब जो कि दूसरे पे dependent होते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। अच्छा, ये दूसरे ग्रुप से क्यों अलग है? ऑलमोस्ट ऑल द फंजाइज आर मल्टी सेलर, ठीक है। अभी इससे पहले हमने देखा था कि यूकैरियोटिक, सॉरी, आपका फर्स्ट जो मोनेरा किंगडम था दैट वाज यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। सेकंड वाज द प्रोटिस्टा वाज यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक, बट द फंजाई किंगडम्स आर मल्टी सेलुलर बट दे आर यूकैरियोटिक। मल्टी सेलर हैं और यूकैरियोटिक हैं, दैट्स वाई द प्रोटिस्टा एंड फंजा किंगडम्स आर डिफरेंट। ओके, बट देर इज एन एक्सेप्शन इन दिस, दैट वन ऑफ द फंजाई दैट इज ईस्ट, और यू ऑल्सो नो इट फ्रॉम द नेम खमीर। हिंदी में हम खमीर बोलते हैं ईस्ट को। इट इज़ यूज इन मेकिंग ब्रेड, बियर, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने में बहुत ही वाइडली यूज़ होती है। बियर वगैरह बनाने में भी ईस्ट यूज़ होती है। इट इज़ यूनिसेलुलर, इट इज़ यूकैरियोटिक बट इट इज़ यूनिसेलुलर। बट ये एक्सेप्शन है एक फंजाई ग्रुप का। सारे फंजाई मल्टीसेलुलर हैं बट सिर्फ एक यही है जो कि यूनिसेलुलर है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, क्या क्या करते हैं फंजाई ग्रुप जो है ये। कुछ आपके फंजाई हैं जैसे पक्सीनिया इज दिस, ये करता है वीट रस्ट, इट इज़ अ प्लांट डिजीज़, ठीक है। वीट रस्ट ये एक बीमारी करता है, पक्सीनिया ये एक फंजाई का एग्जांपल है। देन देर इज़ वन मोर एग्जांपल ऑफ वन फंजाई, पेनिसिलियम इज़ वन ऑफ द फंजाई दैट प्रोड्यूस antibiotics. The first antibiotic that was produced was penicillin. ठीक है, penicillin was extracted from penicillin. तो ये एक source है, सबसे पहली antibiotic भी इसी से बनाई गई थी। Okay, then next line is they are cosmopolitan. Cosmopolitan, what do we mean by cosmopolitan? Cosmopolitan means वर्ल्ड वाइल्ड स्प्रेड, मतलब ये फंजाई आपको पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएगी। इट अकर्स इन एयर एज वेल एज इन वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट, आपको हर जगह मिल जाएगी और वर्ल्ड के हर हिस्से में आपको ये फंजाइज मिल जाती हैं। दे मोस्टली आर ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। आपने देखा होगा जब जैसे आप रोटी वगैरह छोड़ देते हैं बाहर, और अगर बारिश का मौसम हो रहा है उस टाइम पे आपने छोड़ दी रोटी, तो बहुत जल्दी उसमें फुई लग जाती है, कहते हैं फुई लग जाती है, वो काला काला से इसमें कॉटनिश जैसी चीज़ है उसके ऊपर ग्रो होने लगती है, दैट आर फंजाई, ठीक है। ये चीज़ आपकी कहाँ पे कब ज़्यादा देखने को मिलती है? जब आप बारिश के सीज़न में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम हो और पानी भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो, मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। वार्म तो पता ही है, ह्यूमिड मतलब नमी वाला, तो उस टाइम पे फंजाई बहुत ज़्यादा आराम से उगती है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी पुट द फूड इन रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट आर फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय द बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, ताकि हमारा खाना ख़राब ना हो, इसलिए हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि फंजाई वगैरह उसमें आराम से आ गए, क्योंकि फंजाई वगैरह घूम रही हैं, स्पोर्स उसके घूम रहे होते हैं, ठीक है। इस बारे में बात करेंगे आगे, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ हाउ व्हाट आर देयर बॉडी आर फॉर्म्ड फ्रॉम, इनकी बॉडी कैसे बनी हुई होती है।
अब द बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी. व्हाट डू यू मीन बाय हाइफी? दीज आर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फंजाई में. तो ये एक क्या है? हाइफी है. ये एक क्या है? हाइफी, ठीक है, ये हाइफी है. अच्छा, ये जो पूरा नेटवर्क है हाइफी का, ऐसे करके बहुत सारे हाइफीज एक साथ ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. दिस ऑल नेटवर्क विल बी कॉल्ड एज माइसीलियम. क्या बोलेंगे ऐसे? माइसीलियम बोलेंगे जब एक नेटवर्क बन जाता है आपके हाइफी का, ठीक है. तो दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज माइसीलियम. यहाँ दिख रहा होगा आपको वर्ड, ठीक है, माइसीलियम. तो हाइफी क्लियर हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, और जब इनका नेटवर्क बन जाता है तो वी कॉल्ड देम एज माइसीलियम. क्लियर? ओके. द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम. सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. दीज आर कॉल्ड कोनोसिटिक हाइफी. सो वेन यू सी अ हाइफी लाइक दिस, सॉरी वन मिनट, ऐसे थोड़ा सा मोटा बनाया मैंने जानबूझ के, ठीक है. अब इसमें जो है आपकी हाइफी है, अब इसमें बहुत सारे आपकी लंबी सी है ये, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है, न्यूक्लियस बहुत सारे हैं आपके. तो इसे क्या बोला जाएगा? कोनियोसिटिक हाइफी. जैसे कोनियोसिटिक हाइफी कहेंगे, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बीच बीच में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ठीक है. कॉन्टीन्यूस ट्यूब है, इससे भी लंबी होती है, हमने ऐसे छोटी सी बनाई है, इससे भी लंबी होती है. अच्छा, इसे कोनियोसिटिक कह रहे हैं. कोनियोसिटिक का क्या मतलब है? कोनियोसिटिक का मतलब होता है कोनियो, ये या सीनोसिटिक भी कह सकते हैं आप, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है. जो सीनो वर्ड है उसका मतलब क्या है? सीनो का मतलब है नो, ठीक है, इसका मतलब है नो. सीनो नो, इसका मतलब है नो. और साइटिक वर्ड का मतलब है बॉक्स, ठीक है, साइटिक का मतलब है बॉक्स. तो सिनोटिसिटिक का क्या मतलब हो गया? नो बॉक्स, कोई बॉक्स नहीं है, मतलब कोई पार्टीशन नहीं है, सारे न्यूक्लियस एक ही जगह पे प्रेजेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि रूम पार्टीशन हो रखा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है. बट कुछ कुछ आपके फंजाइज जो होते हैं उनमें आपको क्रॉस वॉल्स दिखाई दी जाती हैं. जैसे ये एक हाइफी है, इसमें न्यूक्लियस भी हैं बहुत सारे, ठीक है. अगर इसमें बीच बीच में पार्टीशन हो रखे हैं, वन मिनट, बीच बीच में पार्टीशन हो रखा है, तो इसे क्या बोलेंगे? सेप्टम. ये जो आपके जो पार्टीशन है, ये वॉल है, इसे बोलेंगे सेप्टम या सेप्टा, ठीक है. यहाँ पे वर्ड दिख रहा है आपको, या क्रॉस वॉल इसे कह सकते हैं. तो ऐसे अगर जिसमें ये सेप्टा प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सेप्टेट, जिसमें ये रूम अलग अलग प्रेजेंट हैं, ठीक है. जिसमें प्रेजेंट नहीं है, जैसे इस वाले में है, इसे एसेप्टेट कहेंगे, जिसमें कोई अलग अलग रूम्स नहीं है, सारे न्यूक्लियस एक ही उसमें एक ही साथ प्रेजेंट हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है. तो सेप्टेट बोल देते हैं इसे, सेप्टेट, ठीक है, क्लियर हो रही है बात. अगर नहीं है सेप्टा, मतलब क्रॉस वॉल नहीं है, तो एसेप्टेट ए लगा देंगे आगे. बात समझ आ गई? क्लियर हो गया, ठीक है. चलिए इसे मिटा देते हैं यहाँ से. चलिए ये सब थोड़ा सा क्लम्जी हो गया, ठीक है, इसे हटा दिया हमने. चलिए सब तो क्लियर हो गया, ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक. हेटरोट्रॉपिक तो मैंने बता ही दिया था. एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हैज़ कॉल्ड सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक मैंने आपको बताया था, द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म. जब डेड ऑर्गेनिज्म से कोई फूड ले रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट्स. ठीक है, अब ये क्या करते हैं, कोई सड़ रही गल रही चीज़ है, उसका जो सड़ रहा है सारा सामान, उसका ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है वो सड़ रहा है, तो उसमें लिक्विड टाइप हो गया होगा, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जैसे कि आपने स्ट्रॉ लगाया और सिप कर लिया, वैसे ये भी ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, इन्हें बोलेंगे सेप्रोफाइट, जो कि मरे हुए से अपना खाना ले रहे हैं. ठीक है, और अगर ये अपना खाना किसी लिविंग प्लांट या एनिमल से ले रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक वर्ड आया, सिम्बायंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक फंजाय का एग्जांपल ले रहे हैं, एक फंजाय है और एक किसके साथ रह रही है, एक एल्गी के साथ रह रही है. किसके साथ रह रही है, एल्गी. ठीक है, एल्गी के साथ रह रही है. अब जब फंजाय और एल्गी एक साथ रहते हैं तो किसी वजह से ही साथ रह रहे होंगे. ठीक है, तो क्या होता है कि फंजाय जो है वो क्या करता है, पानी न्यूट्रिएंट्स ये सब सक करके, ठीक है, एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है. और एल्गी क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होती है तो ये खाना बना सकती है. तो फंजाय का काम क्या हो गया, ये एब्जॉर्ब करेगी वाटर एंड मिनरल्स को और एल्गी को दे देगी. एल्गी उसी न्यूट्रिएंट वाटर से क्या बनाएगी, खाना बनाएगी और वो फंजाय के साथ भी शेयर करेगी. तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना. ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक. और फंजाय और एल्गी जब कॉमनली साथ आ जाए तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइकन. ध्यान रखना इसे, लाइकन. जब फंजाय और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो, जब वो एक साथ आके रहने लगे तो उनके कॉम्बिनेशन को हम फंजाय और एल्गी अलग अलग नहीं कहते, उन्हें बोलते हैं लाइकन्स. ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें यहाँ पे, चलिए इसे मिटा देते हैं. दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन का. दूसरा एग्जांपल है आपका फंजाय, एक फंजाय और एक हायर प्लांट्स, मतलब एक बड़ा वाला प्लांट जो होता है आपके, जिनमें अच्छी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स चल रही हैं जिनकी बॉडी में, ठीक है, जाइलम फ्लोएम वगैरह प्रेजेंट है. जब हायर प्लांट्स और फंजाय एक साथ आते हैं तो क्या होता है, फंजाय यहाँ पे भी वही काम करता है, ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट मिनरल्स और हायर प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करके देता है. वैसे तो हायर प्लांट्स के पास रूट्स होती हैं, वो खुद भी एब्जॉर्ब कर लेती है, बट फंजाय वगैरह इसमें और इन्हांस कर देते हैं इसे. ठीक है, ये फंजाय कहाँ रहती है, हायर प्लांट्स की रूट्स में ही रहती है, तो ये वाटर न्यू मिनरल्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन और बढ़ा देते हैं. और प्लांट इसे क्या दे रहा है, रहने की जगह और खाना. ठीक है, प्लांट से फंजाय को क्या मिलेगा, रहने की जगह और खाना मिल जाएगा. अच्छा, इन दोनों के एसोसिएशन, जैसे कि हमने फंजाय और एल्गी के जब एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें कुछ कहते हैं हम लाइकन कहते हैं, वैसे यहाँ पे अगर हायर प्लांट्स और फंजाय एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं माइकोराइजा. क्या कहते हैं, माइकोराइजा. ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन ध्यान रखने वाली चीज़ है. फंजाय एंड हायर प्लांट्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज कॉल्ड एज माइकोराइजा. व्हेनेवर दे आर टुगेदर फंजाय एंड हायर प्लांट्स, तो वी विल कॉल इट एज माइकोराइजा. आर यू गेटिंग इट क्लियर? ओके, लेट अस जस्ट इरेज इट. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू क्लियर इट अप. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू कम टू द रिप्रोडक्शन. अभी तक हमने बहुत सारी दूसरी बातें कर ली, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन प्लांट्स, ये फंजाय में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है. तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट मैथड्स. फर्स्ट मैथड इज वेजिटेटिव मीन्स. वेजिटेटिव मैथड्स आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे. ठीक है, जब आप
प्लांट में किस जब आप गैमीट्स वगैरह यूज़ ना करके आप क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है उसके अलावा कोई भी पार्ट यूज़ हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो हेयर द मैथड्स आर यूज एज फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, देर आर यूज इन द फंजाई। फ्रेगमेंटेशन इज लाइक दिस इज अ हाइफी ऑफ अ फंजाई, ओके, इट जस्ट ब्रेक डाउन इन टू पार्ट्स एंड दे फॉर्म डिफरेंट थ्री ऑर्गेनिजम्स। हाइफी जो है हिस्सों में टूट गया और वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, फंजाई बन गया अलग अलग, ठीक है। एक ये तरीका है, एक फिजन का तरीका है कि एक एक आपका वो है, इसमें एक ही न्यूक्लियस था, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा न्यूक्लियस, ये अपने आप को डिवाइड करेगा और दो में डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये फिजन हो गया, टूटना। बडिंग, बडिंग आपको दिखाते हैं, बडिंग में आपका एग्जांपल आता है ईस्ट का, ठीक है, ईस्ट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग इज़ लाइक दिस इज़ ईस्ट, ईस्ट कुछ इस तरह की होती है, यूनिसेलुलर एंड यूनि न्यूक्लिएटेड ऑल्सो। सो स्मॉल बड अराइजेस फ्रॉम इट्स बॉडी, इसमें तो ऐसा होता है कि एक के ऊपर एक बड लगती जाती है, बहुत बाद में अलग हो जाते हैं ये, ठीक है, ऐसे करके बड लगती ही जा रही है, ऐसे करके लगते जाते हैं, एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ सीन, दे जस्ट सेपरेट आफ्टर सम टाइम, सो दिस इज़ बडिंग, बड निकल जाना, ओके। नाउ दीज आर द वेजिटेटिव मीन्स, नाउ कमिंग टू द एसेक्सुअल मीन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं वो है एक स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। स्पोर्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है, स्पोर्स आर फ्यू सीड लाइक स्ट्रक्चर्स बट दे आर फॉर्म्ड एसेक्सुअली बन जाते हैं। एक फंजा है उसको ऐसा लग रहा है कि कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है या आ गई है, तो वो अपनी बॉडी से स्पोर जनरेट कर देते हैं ताकि उसके जो जनरेशन है वो फ्यूचर जनरेशन वो चलती रहे, ठीक है, उसका वंश चलता रहे इसलिए, ठीक है। तो जो स्पोर्स के नाम क्या क्या हैं यहाँ पे, स्पोर्स के नाम हैं कोनिडिया, कोनिडिया को हम स्पोरेंजियोस्पोर भी कहते हैं, सॉरी स्पोरेंजियोस्पोर इज़ डिफरेंट, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई। अलग अलग फंजाई में अलग अलग टाइप के स्पोर्स डेवलप होते हैं, किसी में कोनिडिया बोलते हैं, किसी में स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं, किसी में ज़ूस्पोर बोलते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम बात करें अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये तो हमने एसेक्शुअल में पढ़ लिया कि स्पोर्स बन जाते हैं। अब सेक्शुअल में क्या होता है, वहाँ पे भी कुछ स्पोर्स बनते हैं, कैसे स्पोर्स, अब यहाँ पे आप अभी तो बोलोगे कि अभी तो स्पोर बने थे एसेक्शुअल में, तो जब सेक्शुअल में स्पोर्स बन रहे हैं इसका मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहा, एक ही फंजाई नहीं बना रहा, वहाँ पे क्या हो रहा है, कोलीज, एक आपके दो फंजाई के जो हैं आपके दो गैमीट्स साथ में आ रहे हैं, ठीक है, और वो दो गैमीट्स मिलकर आपके क्या बना रहे हैं, स्पोर्स बना रहे हैं। तो सेक्शुअल स्पोर्स के एग्जांपल्स हैं आपके ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये तीन टाइप के क्या हैं, स्पोर्स हैं जो सेक्शुअली बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बनते कैसे हैं उनको समझाती हूँ मैं आपको, मेन चीज़ तो वही है कि ये बन कैसे रहे सेक्शुअली, ठीक है, वन मिनट, ओके ना। सो फर्स्ट स्टेप इन द सेक्शुअल साइकिल इज द टू पार्ट्स ऑफ द फंजाई, वो मोटाइल बन सकते हैं, एक ही फंजाई में से क्या पता दो गैमीट्स बन जाए, ठीक है। अब वो दो जो गैमीट्स बने हैं वो मोटाइल हो सकते हैं दोनों ही, मतलब दोनों ही मूव कर सकते हैं, मतलब उन्हें फ्लेजिला प्रेजेंट होगा तो वो मूव कर करके एक दूसरे के पास जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों ही नॉन मोटाइल हों, कि दोनों ही मूव नहीं कर सकते, पानी के थ्रू मिल रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा भी हो सकता है। तो गैमीट्स दोनों आके मिले, फ्यूजन हुआ, तो कैसे होगा फ्यूजन, जैसे ये एक गैमीट है, ठीक है, एक ये गैमीट है, इनके पास अपना अपना एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पास एक अपना
न्यूक्लियस है, ये दोनों आए फ्यूज़ हो गए, ठीक है। अब जो फ्यूज बॉडी है, जब ये फ्यूजन हुआ, इनका प्रोटोप्लाज्म आके एक दूसरे से मिल जाता है। प्रोटोप्लाज्म आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, द लिविंग कंटेंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये सबको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब ये दोनों आपके मिल जाएं, फ्यूज़ हो जाएं, तो इन्हें कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो अभी कौन सा स्टेप हुआ? प्लाज्मोगैमी। और यहाँ पे हमें एक सेल मिल गई, ठीक है, जिसमें कि दो न्यूक्लियस, अभी न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुए, ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुए, दो न्यूक्लियस है हमारे पास, बट प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया। तो अभी वाला स्टेप को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोगैमी। ये वाली स्टेप क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी। अब क्या होगा? ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है, एक न्यूक्लियस बना लेंगे ये दोनों। तो इस वाले स्टेप को क्या कहेंगे? कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म आपका फ्यूज़ हुआ ना, इसलिए आपने प्लाज्मोगैमी, या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ इसलिए आपने प्लाज्मोगैमी बोला। गैमी का मतलब क्या होता है? प्लाज्मो तो हम चलो समझ गए कि साइटोप्लाज्म में भी प्लाज्मो वर्ड था, फ्लूइड, तो उससे ले रहे हैं। गैमी का क्या मतलब होता है? गैमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है, गैमी मतलब मैरिज, मतलब मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म मिल गया, तो इसलिए हमने उसे प्लाज्मोगैमी कह दिया। अब कैरियोगैमी का क्या मतलब हुआ? कैरियो मीन्स, कैरियो वर्ड इज़ यूज फॉर न्यूक्लियस। कैरियो वर्ड किस लिए यूज होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की मैरिज, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, उसे क्या कहेंगे? कैरियोगैमी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा स्टेप चला है? ये यहाँ पे कौन सा स्टेप हुआ? कैरियोगैमी हुआ, जिसकी वजह से अब आपके पास एक सेल है और एक ही, उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमारे पास जाइगोट बना है, ये जो था एन था, अब एन से आप कहोगे एन का क्या मतलब होता है? चलिए इसे जी समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं ना, 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब मैं मान लूँ एक क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं ना ये, तो ये वाला 23 क्रोमोसोम्स हैं साथ में, और ये वाले 23, मान लिया ऐसे करके, मान लिया ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे दो सेल बनाने हैं, ये एक सेल थी, इसके अंदर ऐसे 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। अब मुझे दो सेल बनाने हैं, अब मैं दो सेल में कैसे जाएगा, ये दो सेल कैसे बनेगी? ये 23 आधे इसमें चले जाएँ, आधे इसमें चले जाएँ, तो 23 इसमें आ गए, 23 इसमें आ गए, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं ऐसे बोल दूँ, 2n, यहाँ पे दो आपके वो प्रेजेंट थे ना, दो हैप्लॉइड वो प्रेजेंट थे, तो 2n बोल दिया इसलिए। अब जब ये आधे आधे हो गए, तो हम इसे क्या कहेंगे? n, इसे भी n कहेंगे, इसे भी n कहेंगे, 2n आधा आधा हो गया ना, तो 1n 1n नहीं तो रह गया, तो nn बोलने साथ साथ, ठीक है। जब ये 2n बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड, जब ये पेयर में होते हैं, जोड़े में एक साथ लगे हुए हैं। जब ये आधे आधे हम उस जोड़े को अलग कर देते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड, ठीक है। तो ये n को हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड। तो चलिए इसी को समझते हैं आगे, इसको हम यहाँ देखेंगे। अब चलिए ये रब हो गया। चलिए, तो हमारे पास एक आपका यहाँ पे एक गैमीट था, ये आपका 2n का है, ठीक है। गैमीट हमेशा n के होते हैं, आधे वाले आते हैं, nn का है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये मिल गए एक दूसरे से, ठीक है, ये 2n हो गया, ये मिल गया ना, तो 2n मिलके क्या बनाएंगे? 2n बनाएंगे। अब ये जो है जायगोट बन गया, क्या बन गया? जायगोट। अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो आपको जायगोट पता होगा, ठीक है। जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद? जायगोट। तो यहाँ पे भी जायगोट बन गया, एक फ्रूटिंग बॉडी बन गई, मतलब एक ऐसी बॉडी बन गई जो कि स्पोर्स बनाएगी अब, ठीक है, ऐसी कोई बॉडी बन गई। अब इसके अंदर क्या होगा? अब होगा मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? आपका एक प्रोसेस होता है, जिसमें जो हमारे न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड होता है। अब ये जो पहले दो एनएन थे, 2n बन गए, अब ये फिर से दो में पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, तो
तो ये NN चला गया है यहाँ पे। हम 2N क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हमें ह्यूमंस का पता है, हर फंजाई का हमें पता नहीं, तो हम N और 2N यूज़ करते हैं इसलिए। ठीक है, N जितने भी उसके हैं उससे आधे, जितने भी उसके हैं उस वो आपका 2N हो गया, जितने भी उसकी बॉडी में फंजाई की बॉडी में होगा वो 2N है, और अगर आधे करते हैं तो N हो गए। ठीक है, तो इसलिए हम N वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप मैथ्स में X और Y यूज़ करते थे ना, वैसे ही N भी है। ठीक है, पहले ये क्या करेगा, आधे आधे में डिवाइड कर देगा तो NN बन गया। अब ये इक्वल इक्वल में डिवाइड करेगा, अब दो और सेल बनाएगा ये, अब इसमें आधे नहीं हुए, इसमें बिल्कुल सेम टू सेम इसमें से गए, इसमें से भी, इसने भी क्या किया ऐसे करके सेम टू सेम अपने जैसे सेल बना ली, दो, इसने भी दो बना ली, तो चार, कितनी सेल बन गई है, चार। ये एक्चुअल में क्या है, स्पोर्स हैं, जब ने सेक्सुअल स्पोर्स बने ना, ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये सब कैसे बने, गैमीट फॉर्मेशन से, गैमीट का फ्यूजन हुआ यहाँ पे। ठीक है, गैमीट फ्यूज हो गए, यहाँ पे आपका जायगोट बना, उसके बाद ये स्पोर्स बने, तो इसलिए इसको सेक्सुअल मेथड से बने हुए स्पोर्स कहा हमने, जो एसेक्सुअली बन रहे थे वहाँ पे ये गैमीट वाला प्रोसेस नहीं हो रहा था। ठीक है, सीधा स्पोर्स बन गए, उसी प्लांट ने अपने आप ही स्पोर्स बना दिए, फ्यूजन से नहीं बने, बात समझ आ रही है। ठीक है, अच्छा, जो यहाँ पे फ्यूजन हुआ ये कौन से मेथड से हुआ, सॉरी, ये जो आपके स्पोर्स बने ये मियोसिस की हेल्प से हुए, जहाँ पे चार स्पोर्स बन गए आपके, हैप्लॉइड स्पोर्स, क्योंकि आधे हैं ना इसमें क्रोमोसोम के नंबर, जबकि फ्रूटिंग बॉडी में कितने थे, 2N थे, जायगोट में भी 2N थे, बट उसने कितने पहुँचाए उस स्पोर्स में, आधे आधे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, ओके, चलिए इसे मिटा देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें समझना था इसमें, जब आपका यहाँ पे हुआ आपका प्लाज्मोगैमी, ये हो गया कैरियोगैमी, कैरियोगैमी की फेज़ को हम, जब आपका ये वाली फेज़ होती है, जब आपके दो न्यूक्लियस एक साथ आ गए, तो दो न्यूक्लियस आए, इसका मतलब डाइकैरियन बोलते हैं, ऐसे डाइकैरियन क्यों, क्योंकि डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस हैं यहाँ पे एक साथ, तो इसलिए इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस फेज़ को या इस स्टेज को हम, कंडीशन को क्या कहते हैं, डाइकैरियन, और इस फेज़ को क्या कहते हैं, डाइकैरियो फेज़, जब आपकी अभी तक एक साथ फ्यूजन नहीं हुआ न्यूक्लियस का, तो इसे हमने क्या बोला, डाइकैरियो फेज़। ठीक है, ये बताना मैं आपको भूल गई थी, तो आई थिंक सबको समझ आ गई होगी इतनी बार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है फंजाई में। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं, पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन होगा, जो दो गैमीट्स आए हैं उन दोनों का एक साथ फ्यूजन होगा, वो आके एक सेल बनाएंगे जिसमें कि दो न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस वाली स्टेज को हम क्या कहेंगे, डाइकैरियन बोलेंगे, और इस फेज को क्या कहते हैं, डाइकैरियो फेज। ठीक है, जब ये फ्यूज हो जाएंगे न्यूक्लियस दोनों एक साथ, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, कैरियोगैमी वाली स्टेज कहेंगे। ठीक है, और ये क्या बना देंगे, जायगोट बना देंगे हमारा, और इससे क्या बनेगा, जायगोट से फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, और फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगा, मियोसिस होगा, जिससे कि हमारे पास चार आपके क्या बनेंगे, स्पोर्स आपको मिल जाएंगे, कितने, चार स्पोर्स, जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, बात समझ आई, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द फंजाई किंगडम, ओके, क्लियर, थैंक यू।